14 से 20 अप्रैल तक ISP बर्नपुर में CISF फायर विंग्स तथा फायर सर्विस विभाग द्वारा फायर सर्विस वीक आयोजित किया गया। इस वर्ष के थीम आग से हानि राष्ट्रीय नुकसान, आइए मिलकर अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाएं को उद्देश्य बनाकर ISP तथा आसपास के विभिन्न संस्थानों में इस सप्ताह का पालन करते हुए सभी को जागरूक बनाया गया। 14 अप्रैल 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड में हुए दुर्घटना में शहीद 66 फायरमैन की याद में इस सप्ताह का पालन किया जाता है। सप्ताह का उद्घाटन 14 अप्रैल 2018 को ब्लास्ट फर्नेस के समक्ष सेंट्रल फायर स्टेशन में किया गया। इस अवसर पर ISP के CEO श्री अनिर्बन दास गुप्ता मुख्य रूप से यहां उपस्थित थे। इनके अलावा ED वर्क्स CRP मंडल, सीनियर कमांडेंट CISF श्री दीपक वर्मा, डिप्टी कमांडेंट श्री प्रभुराम, अन्य GM स्तरीय अधिकारीगण तथा CISF के जवान उपस्थित थे। इस दिन श्री प्रभुराम ने उपस्थित सभी का स्वागत किया। इसके बाद CEO सहित सभी ने शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर मौन व्रत का पालन करते हुए शहीदों को याद किया। तदुपरांत CEO ने फायर सेफ्टी एंड यू नामक बुकलेट का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस फायर सप्ताह को मनाते हुए सभी को जागरूक बनाना एक अच्छी पहल है ताकि 1944 की घटना को दोबारा होने से रोका जा सके और किसी प्रकार का नुकसान न हो। 16 अप्रैल 2018 को बर्नपुर गर्ल्स हाई स्कूल में इस अवसर पर ड्रॉइंग और AC प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेकर सभी छात्राओं ने अपने ज्ञान अनुसार फायर सेफ्टी से संबंधित चित्र अंकित किए। इस दिन सब इंस्पेक्टर फायर श्री सुब्रतो घोष एवं इंस्पेक्टर फायर श्री भास्कर दास ने सभी शिक्षक गण एवं छात्राओं को फायर से संबंधित जानकारियां दी। इसी दिन बर्नपुर बॉयज हाई स्कूल में श्री दास ने अग्निशमक उपकरणों के माध्यम से सभी छात्रों को इसे इस्तेमाल करने के तरीके बताए। वहीं 19 अप्रैल 2018 को बर्नपुर हॉस्पिटल में श्री दास एवं श्री घोष ने डेमो के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को घटना स्थल से बाहर निकालने के तरीके बताए। इसके अलावा उपकरणों के इस्तेमाल से आग बुझाने के तौर तरीकों की जानकारी उपस्थित सभी चिकित्सक नर्स स्टाफ को दी। 20 अप्रैल 2018 को इस फायर सर्विस वीक के अंतिम दिन सेंट्रल फायर स्टेशन में आयोजित समापन समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित थे ED वर्क्स CRP मंडल, सीनियर कमांडेंट CISF श्री दीपक वर्मा, GM सेफ्टी श्री सुब्रतो घोष, डिप्टी कमांडेंट श्री प्रभु राम। इनके अलावा अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे। इस दिन डेमो के माध्यम से दुर्घटना स्थल से व्यक्ति को बाहर निकालने, आग लगने आदि से बचने एवं बचाने के उपाय बताए। इसके अलावा CISF फायर विंग्स एवं फायर सर्विस की टीम ने यह दिखाया कि वे सभी इन घटना स्थल में किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अंत में श्री मंडल, श्री घोष, श्री वर्मा ने ISP में हुए हाउसकीपिंग ऐसे स्लोगन पोस्टर प्रतियोगिता के चयनित श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। आशा की जा रही है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी फायर सर्विस टीम किसी भी आपदा से निपटने के लिए और भी सुदृढ़ हो गई है।